तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सर्वाइवल सीरीज। आई नो कि लॉन्ग वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे शॉर्ट वीडियो की कंपैरिजन में, बट या अब मैं पर डे लॉन्ग वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। वो बात अलग की है कि तुम लोग लाइक नहीं करोगे। लास्ट वीडियो के एनालिटिक्स तुम लोग खुद ही देख लो, सिर्फ 3 लाइक्स मिले हैं। इस तरह करोगे तो किस तरह ग्रो होऊंगा यार? कोई तरीका है भीख मांगने का? कोई नहीं, स्टाइल लेंगे तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। तो अभी मैंने अपना एक नया संसार बना लिया है। हाँ, वर्ल्ड शब्द बहुत पुराना हो गया, इसलिए अब से मैं संसार कहूंगा। तो चलते हैं अपने नए वर्ल्ड की शुरुआत लकड़ियाँ तोड़ने से करते हैं। परंपरा प्रतिष्ठा। तो अभी मैंने 7-8 लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब समय आ गया है अपनी वुडन पिकेक्स बनाने का। ऑल राइट, मैंने अपने लिए स्टोन्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। और एक बात तो बताना भूल ही गया, इस वीडियो को लास्ट तक मैंने अपना पूरा फुल्ली डायमंड आर्मर बनाया है, वो भी टूल्स के साथ। अभी चल के हम लोग अपने आप को स्टोन में अपग्रेड करते हैं। ये रही स्टोन की सलवार। माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं। तलवार ही बोला था, क्या सुनाई दे रहा तुम लोगों को? हाँ, वो सब छोड़ो। देखो, मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लिए हैं। अब बेड बनाने के लिए वूल ढूंढता हूँ, वरना रात को ज़ॉम्बी मेरी अम्मा पे आ जाएंगे। वो देखो, सामने एक शीप है, अब उसको मेरे लिए बलिदान देना पड़ेगा। अबे ये तो भाग रही है। फाइनली बहुत दौड़ाया इसने, अब जाके मरी। सिर्फ 2 वूल की और जरूरत है और कुछ फूड्स की भी, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट माइनिंग पे ही जाने वाला हूँ। क्या नजारा है, बगल में सवाना बायोम, उसके बगल चेरी ब्लॉसम और बीच में प्लेन। एक और शीप मिली है, बट ये थोड़ा अलग प्रजाति की है। वूल तो किसी काम का नहीं होगा, बट फूड काम में आ जाएंगे। अब 2 शीप और कहाँ से लाऊं यार मैं? चलो, 2 शीप मिल गई। अबे एक तो बच्चा था इसका। चल बेटे, अब तुझे अपनी माँ की बलि देना होगा। तुमको छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तू बड़ा हो जाए तो तुझे भी मार दूं बाद में। वो देखो, वो रहा सामने अगला शिकार। बस अब पहले वाले की तरह इसमें से भी एक बच्चा निकल जाए। चलो, अब सोने का इंतजाम हो गया। प्रणाम, आपका बीफ लेना था। और ये देखो, देखते ही देखते सूरज भी ढलने लगा। अंधेरा होने से पहले पहले कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर बेड लगा के सो पाऊँ। जगह ढूंढने से बेहतर है एक रात की बात है यहीं पर बेड लगा के सो जाता हूँ। ये गया बेड, और यहाँ पर लगाते हैं इसको। इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे सिर्फ स्टीव ही सो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज के दिन हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फूड कलेक्ट करने पर फोकस करना है। अबे पहले चलने पे तो फोकस कर ले, गड्ढे में गिरने से बच गया। और ये देखो गाइज, सामने एक केव है जिसके अंदर आयरन्स भी है। 3 आयरन हुए तो समझो पिकेक्स का इंतजाम हो गया। वो देखो, सामने कोल भी है, स्मेल करने में आसानी हो जाएगी। पहले आयरन तोड़ता हूँ और देखता हूँ कितने हैं। बस सिर्फ 2 ही पीस मिले हैं। देखना, अमीर होने के बाद इतना आयरन फेंक दिया करूंगा। वैसे भी खाने के लाले पड़े हैं, फूड्स कलेक्ट करता हूँ। फूड कुक करने के लिए फर्नेस बनाना पड़ेगा। सामने कोल है, चल के तोड़ लेता हूँ। मैंने कोल फर्नेस में डाल दिया है और फूड कुक हो रहे हैं। और अभी के लिए मैं जा रहा हूँ हंटिंग पर, जहाँ से मैं कुछ लकड़ियाँ और कुछ खाने की चीजें भी लेके आऊंगा। सबसे पहले लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ, और लकड़ियाँ तोड़ने के लिए मुझे काफी दूर जाना है। हाँ, बहुत दूर, सिर्फ 100 ब्लॉक हैं। तो मैं आप लोगों से सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, मैंने कई सारी शीप्स मार करके काफी सारे फूड कलेक्ट कर लिए हैं, एंड साथ साथ में कुछ वुड्स भी ले ली हैं। और पता नहीं मैंने अपनी स्वॉर्ड क्यों फेंक दी। बाय द वे, अंधेरा हो गया, मुझे जल्दी से चल के सोना पड़ेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो मुफ्त लोग अपने बारात लेकर के आए हैं पूरा। यहाँ पर तो सो नहीं पाएंगे, भागना पड़ेगा, कहीं और चल के सोते हैं। ओ भाई साहब, काफी मुश्किल के बाद मैं सो पाया हूँ। यहाँ नीचे गड्ढा करके सोना पड़ा था मुझे, और यहाँ पर मैं टावर अप करके ऊपर भी चढ़ा था, लेकिन गलती से नीचे गिर गया था। और फाइनली मैं अपने घर पे पहुँच गया हूँ, और जितने फूड लेकर गया हूँ उसको कुकिंग पे लगा देते हैं, जब तक ये वाली जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और एक्सप्लोर करते वक्त गलती से मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज कर दी, और उसी वक्त मुझे कुछ आयरन भी मिल गए। ये देखो, इस वाली जगह पर मुझे आयरन मिले थे जो कि मैंने अभी स्मेल्टिंग पे लगा दिए हैं। और ये वाली जगह पास में ही थी, ज्यादा दूर नहीं थी। अरे एंडरमैन पीछे पड़ गया यार, जल्दी से चल के छिपना पड़ेगा। हाँ अब बोल बेटे, अब लड़के देख इधर चला गया यार, ये तो अब आ ही नहीं रहा, लगता है भाग गया। सारे आयरन स्मेल्ट हो गए हैं। आयरन सॉल्ट और शील्ड मैंने पहले बना ली थी, एक बकेट और पिकैक्स बना लेता हूँ। चलो बकेट में पानी भरने के लिए चलते हैं। पानी किधर है? चलो पानी का तो इंतजाम हो गया, अब डायरेक्ट डिग डाउन करके नीचे चलते हैं। जी इधर एक बहुत बड़ी केव दिख रही है, इधर चल के देखते हैं क्या है। ओह काफी गहरी केव है। वाटर बकेट एमएलजी तो नहीं कर पाता, सिर्फ कूल बनने के लिए ले रखी है। उस पिलर तक चलते हैं, वहाँ से बीच से डिग डाउन करके डायरेक्ट माइनस लेवल पर जाएंगे। नीचे बहुत सारे मॉब्स हैं, अगर गिरा तो काम खत्म। चलो अब डिग डाउन करना शुरू करते हैं, अब डायमंड आर्मर बना के ही लौटूंगा। और ये देखो आयरन भी मिल गए, और अब की बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है। ये देखो नीचे पहुंचते ही सामने स्केलेटन चचा आ गए। पहली फुर्सत में निकल। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, और फाइनली मैं बेडरॉक तक पहुंच गया हूँ। स्ट्रेट माइनिंग शुरू करते हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक चेस्ट बनाकर अपनी इन्वेंटरी यहीं पर सॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार इन्वेंटरी खाली रहेगी तभी तो इन्वेंटरी भर के डायमंड्स लाऊंगा, और अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब बस माइनिंग करने दो। A few moments later. गाइस, इतनी देर से माइनिंग कर रहा हूँ यार, और क्या सोच रहे हो आप, डायमंड्स भी नहीं, एक भी डायमंड्स नहीं मिले। ये देखो डायमंड्स की जगह पर क्या मिला है। चलो रेडस्टोन तोड़ लेता हूँ, बाद में बिल्ड्स बनाने के काम आएगा। और फिर से स्ट्रेट माइनिंग करते हैं। 1 hour later. डायमंड्स। 3 hours later. डायमंड कहाँ है भाई, मुझे भूख लग रही, खाना खाना है। 6 hours later. डायमंड मिल जाए यार, अब तो आंखों से देखा भी नहीं जा रहा।
2000 years later. अब तो मिल गया, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ. एक नया एस्ट्रॉइड आकर इंसानों को खत्म करके भी चला गया, पर डायमंड्स नहीं मिल रहे. नानी, मैं यहाँ पर डायमंड्स ढूंढने आ रहा हूँ. यहाँ पर ये क्या है? आयरन मिल रहा है. कोई बात नहीं, आयरन पिकेक्स टूटने वाली है, इसलिए नया आयरन की पिकेक्स बना लेते हैं. सच में गाइस, यार एक डेढ़ घंटे से लगातार माइनिंग कर रहा हूँ, बट डायमंड्स नहीं मिल रहे. मैं घर वापस जा ही रहा होता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर डायमंड्स पर पड़ती है, जो अंधेरा होने की वजह से मैंने छोड़ दिए थे. और यहाँ पूरे के पूरे 11 डायमंड्स थे. इसके बाद मेरे अंदर मोटिवेशन जगा और जिस डायरेक्शन में डायमंड्स थे उसी तरफ स्ट्रेट माइनिंग शुरू कर दी. और थोड़ी ही देर में मुझे 4-5 डायमंड्स और मिले, और साथ में एंशियन सिटी भी. उससे कि मैंने देखा कि सेंसर्स नहीं लगे हुए थे, इसलिए मैंने 2-4 मॉब्स भी मारे, पर डायमंड्स नहीं मिले. उसके बाद मैंने उस दिन माइनक्राफ्ट नहीं खेला. फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर से माइनिंग शुरू करी और आज मेरा लक अच्छा था, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे में मेरे पास टोटल 55 डायमंड्स हो गए थे. और मैंने अपने इन्वेंटरी का कूड़ा पीछे फेंक दिया है और मैंने अपना डायमंड आर्मर भी बना लिया है. ये रहा, और नेक्स्ट वीडियो में अपना घर बनाऊंगा. तो अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो उस लाइक बटन पर क्लिक करके उसको ब्लू कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.